1000 रुपया में वो गैस लेगा कि बिजली बिल भरेगा कि दाल तेल चावल दुनिया जान क्या करेगा। जिस दिन अगर दिव्यांग चालेगा ना तो हम जितनी भी यहाँ की पार्टी हम लोग किसी नए पार्टी को हम लोग लॉन्च करवा देंगे। आज भी विकलांग को देखिए कि मतलब नीचा लेवल में देखा जा रहा है हर चीज से, तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम लोग भी तो इंसान में ही आते हैं, विकास होना चाहिए। राजभवन के धरना स्थल पर आपको पहले एक ही दिव्यांग दिखते होंगे जो अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे, और आज यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग बैठे हुए हैं जैसा कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। इनके कुछ मांग है और राजेश जी जो बैठे थे इतना दिन से वो अब अकेले नहीं रहे, बहुत लोग इनके साथ अब जुड़ चुके हैं, तो इनकी क्या मांगे ये हम लोग जानते हैं। पहले क्या आपकी मांगे है पहले बताइए। यहाँ पे सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति दिव्यांगों की है ये आप लोग से छिपी हुई नहीं है। कहने का मतलब इतनी महंगाई में 1000 रुपया में वो गैस लेगा कि बिजली बिल भरेगा कि दाल तेल चावल दुनिया जान क्या करेगा, और उसके फैमिली वाले भी उसको नहीं कोई सपोर्ट नहीं करते। सरकार आज के डेट में, अरे आप लोग तो मीडिया वाले सब कुछ अच्छी तरह जान रहे हैं कि पैसा का क्या दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसको देख हक मिलना चाहिए। हाँ, इसको इसका जो हक उसको कम से कम दीजिए। अब रह गया बात, इसको परेशान भी किया जाता है। हमारा कहना सिर्फ इतना ही कहना है सर कि जैसे कि आर्मी में है चाहे और सब में है कि भाई उन लोग आधा दाम में उन लोग सामान राशन का दरवाज़ा जो कुछ भी है, कम से कम इस गरीब को तो मिलना चाहिए ना। मतलब इससे ज़्यादा गरीब कौन है? आप बोलते हैं आदिवासी है वो हरिजन है, अरे भैया तो उसके पास तो हाथ पैर है, ये तो सबसे टूटा हुआ है, इसको ना ध्यान दीजिए। देखिए हम वो सब चीज़ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस दिन अगर दिव्यांग चालेगा ना तो हम जितनी भी यहाँ की पार्टी हम लोग किसी नए पार्टी को हम लोग लॉन्च करवा देंगे। अब आप इशारा समझ गए हो कि दिल्ली वाला का क्या हालत है, उसने जो वो जो कहता है वो करके दिखाता है, तो आप लोग सिर्फ कहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी ऐसा बनाइए कि यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे, आप वैसा बनाइए अपने आप को। तो आप तो पता नहीं कहाँ से इतना सारा पैसा निकल रहा है, अब आपके आदमी लोग भी दरार। अरे कम से कम इस गरीब पे ध्यान दीजिए साहब, ये टूटा हुआ है, इसको अगर आप नहीं कीजिएगा ना तो आपका खुद आत्मा धिक्कारेगा। तो कम से कम विकलांगों के लिए इतना ये कम से कम करें, इतना हजारों हजार करोड़ रुपया का इन्होंने क्या नहीं निवेश किया, ये किया वो किया। अरे विकलांगों के लिए भी एक अति खोल दो यार, किसी में कम से कम जाओ अपने तो सस्ता सामान ले सको। देश के जवानों के लिए आप करते हैं तो विकलांग बेचारा वो इंसान नहीं है क्या, उसको नहीं जीने का हक है, तो उसको भी तो कम से कम कुछ कीजिए, कम से कम उसको। अच्छा गैस का जहाँ तक बात है, अब बताइए 1130 रुपया लग जाता है, वो कहाँ से कर्जा करता है, अब वही अब क्या करेगा, क्या बनाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, वो तो मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आप जितने भी मीडिया भाई थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग लगता मांग जरूर मान लेंगे। देखिए साथ पाकर तो मुझे खुशी मिला जरूर मिल रहा है, लेकिन दिव्यांगों के साथ बहुत अधिक समस्या है, इसलिए यहाँ वे लोग ठहर नहीं पाते हैं, यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, खाना खुद से बना के खाना, इतना ज़्यादा ठंड में यहाँ रहना, तो यहाँ बहुत मुश्किल होने की वजह से लोग यहाँ ठहर नहीं पाते हैं। पहला दिन तो बहुत लोग आए हुए थे, बहुत दिव्यांग भाई बहन आए हुए थे, लेकिन यहाँ व्यवस्था सही नहीं रहने के वजह से मजबूर होके यहाँ से जाना पड़ा, और यहाँ जो दिव्यांगजनों का संख्या है लगातार घट रहा है। खुद से खाना बना के खाना दिव्यांगों के लिए कितना कठिन है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वैसे मुझे खुशी तो है कि इन लोगों का जो आंदोलन है इसमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है इससे मुझे, और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय तक पहुंचाने में ये लोग सहयोग करेंगे। इस संगठन की वजह से मुझे न्याय मिलने का उम्मीद लग रहा है, लेकिन इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए दिव्यांग यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। कहना ये है कि हम लोग 4 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं, सरकार को तो खुद देखना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीका से विकलांग लोगों को कितना दिक्कत कितना प्रॉब्लम हो रहा है। कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आने जाने में खाने पीने में हर चीज़ का यहाँ परेशानी है,
अगर सरकार पूरा कर देती तो हम लोग यहाँ पर इस तरीका से नहीं बैठते। सब कहाँ कहाँ से, पूरे झारखंड से देखिए सब लोग आए हुए हैं। दो चार दस लोगों को ज़्यादा तकलीफ था तो वो लोग चले गए। सरकार से अनुरोध है कि जो हम लोग की मांगे हैं उसको पूरी करें, जो सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था। उसके बाद कम से कम हम लोग का इंदिरा आवास मुआयना कराएँ, खाली पद जो खाली है जो पढ़े लिखे हैं हम लोग उस जगह में हम लोग को भर्ती कराया जाए। ये सब सरकार से मांग है कि हम लोग को कम से कम पूरा किया। विकलांग को बोला गया था कि विकलांगता हटाया जाए, पूरा भारत से विकलांगता हट गई लेकिन विकलांग रह गए। लेकिन आज भी विकलांग को देखिए कि मतलब नीचा लेवल में देखा जा रहा है हर चीज़ से। तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम लोग भी तो इंसान में ही आते हैं कि विकास होना चाहिए और सर्वागनी विकास हो विकलांगता लोग विकास हमेशा कम से कम हम लोग आवास का परिवार लोग का कम से कम कुछ हेती होना चाहिए। हम लोग का हमेशा नीचा दिखाया गया है और हम लोग नीचा रह गए। यही सरकार से मांग है कि कम से कम जो हम लोग से वादा किए उसको मुआयना कराए कम से कम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।